मोनोकोरियोनिक डाइएमनियोटिक ट्विन प्रेगनेंसी में प्लासेंटा के अंदर ब्लड सप्लाई से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होने का भी रिस्क रहता है एंड इसमें 10-15% मोनोकोरियोनिक डाइएमनियोटिक ट्विन प्रेगनेंसी में ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम हो सकता है। इसका मतलब होता है कि कभी कभी कुछ केस में किसी बच्चे को ब्लड ज्यादा पहुंचता है एंड किसी बच्चे को ब्लड कम पहुंचता है, तो इस सिचुएशन को ही ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम बोला जाता है। ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम से एक या दोनों बच्चों में गंभीर बीमारी या फिर उनकी डेथ भी हो सकती है एंड ये जो संभावना होती है वो 16 वीक से लेकर के 24 वीक्स के बीच में रहती है एंड इसके अलावा ये शिकायत कभी भी हो सकती है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल घबराना नहीं है बल्कि आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है एंड टाइम टू टाइम बिल्कुल चेकअप कराते रहना है एंड डॉक्टर से मिलते रहना है एंड आपको किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।